हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मलर्स अनलिमिटेड इनकी नम्बर मास्टर रेसिपी दांग पाक पोरोम नेत एपिसोड डॉक्टर नित्या चोलम किशन और रेसिपी पनांगा अंद रेसिपिया अगर फर्स्टे वो बालकनी की रीच आना अंद रेसिपी ना रीक्रियेट पड़े वांग वीडियो को लेकर समक पाकल फर्स्ट कड़ी ग्रेवी पड़ा अदक ना मूणु टेबल स्पून कलम आड पड़ी के अब इन साल अर टी स्पून मंज तूल अर टी स्पून मिगा तूल अर टी स्पून धनिया तूल इला ना मिक्स पड़को इतना अर कप तय आड पड़पे तय कुछ पुलचर इला कटी एम ना मिक्स पड़को आक्चुअल इतर ग्रेवि आलिना अलगराजा दा ना ऐसी ग्रेवि वो नम्ब चपाती की इटली दोस सदम इलामें सापड़ा इतनी कटी एम ना करे इंजम ती ऊती डूट पड़को इतना बैटर रेडी आलिचा अदक ना और पेन एेबल स्पून एण ऊतर एण का पड़ग परीजद सीरक अब नम्ब करे ऊतिको अब पच मिग अब बउल ओटा वह ती ऊती करे ऊतिको सो मिक्स पड़िटे इतनी कटिया अंजमा ती ऊती नहीं उपरि वे मूणु ग्लास तनी देवपट ना मूणु टेबल स्पून कलम पोटद्क मूणु ग्लास तनी देवपट इतनी को अफ़ा अवलोदा नम्ब कड़ी ग्रेवियो रेडी आक्स्ट नम्ब मोल रेडी पड़ा अद्क ना वो अर कपोल इत वो वाले वो टू मिनट्स मट रोस्ट पड़को अद्क मेल पड़ी पापकॉन आना टू मिनट्स मट रोस्ट पड़ी एड़ वो इत ना रोस्ट आर वे नम्ब फाइन पउडर अरेचिडला फुल्ला चोलमा पोटा नल्ला वराद ना वो कल कप मैदा कल कप चोलमा एड़कपर इंब चोलमा रेडी आल कप मैदा रेडिया वो कल कप चोलमा आड पड़ी के पोम इंब जलीचिडला इतान सुगर आड पड़े ना ओं टेबल स्पून पड़ते सक आड पड़े अब टेबल स्पून बटर इत ना वो कईल पेसेजे और फाइव मिनट्स वो उल्लू सर्दी इत की ना वो पेसें नम्बर चोलमा पटर बैंडिंग एजेंट पेसा इले मैदा मटमान कुछ कष्ट बट और फाइव मिनट्स वो अलग वंर इत वो क्लिंग रैप और ट्वेंटी मिनट्स वो फ्रिज वे सेट आगे इप्पो फ्रिज्जलेंदे एडुत्ताच्चु इदु अलगा सेट आयिट्टिरुक्कु एंगिट्ट टार्ट मोल्ड इल्लै अदनाल कपकेक मोल्डुल इंद मादिरि प्रेस पण्णि वेक्कप् पोरेन टार्ट मोल्ड इंद कपकेक मादिरि तनि तनिया इरुक्कुम सो परवाल रेंडु ओन्नु दान ना कपकेक्ले पण्णिरुक्केन इदु वंदु निमगे उरुंडिया रौंडा वराधु इदु उदुंदु उदुंदु दान इरुक्कुम नम्ब दान वंदु इदु सेर्त्तु इंद टार्ट मोल्डुल वंदु फिक्स पण्णनुम सो अदे दान ना कपकेक मोल्डुलयुम पण्णिरुक्केन अवलोदा नरे पेर वीटल कपकेक मोल्ड सो इतमी तटल कूड़ पड़ला की वो तड़वे मव कुछ प्स पड़ी इतना अलग फिक्स आगे इतर फिफ्टीन मिनट्स फ्रिजल फ्रिजल ना अवन वो ट्वेंटी फै मिनट्स बेक पड़पर फ्रिजल वो प्री हीट पड़िया डेरक्टा वो वाला नहीं कुर पड़ला केक पड़वी अंदमि इतम पड़ला इवन वोन एप्रम कपे मोडल अलग वंदिर बट स्टेन स्टील वर कष्ट एज्जस्ल वो इतमी नईफ कट पड़ी के कट पड़े कवत उड़े अलग वंदिर
எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு பிஸ்கட் க்ரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதில் ஃபில்லிங் வந்து நம்ம கடி கிரேவி பண்ணோம்ல தயிர் வச்சு, அதை வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக இதில் க்ரீம் சீஸ், ஃப்ரூட் சீஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க, இவங்க வித்தியாசமாக வந்து ஒரு கிரேவி வச்சுருக்காங்க. அது மேலே சீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஊரில் ப்ளூ சீஸ் இல்லை, நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சீஸை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஒரு 10 minutes மட்டும் அவனில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்மளோட ஃபேவரட் பாப்கார்னை ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 2 tablespoons பட்டர் ஆட் பண்ணி காஞ்ச மக்காச்சோளத்தை போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். 5 minutes அப்புறம் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பொரியறது தெரியணுன்றதுக்காக கண்ணாடி கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ அழகாக பொரியுது பாருங்கள். நம்மளோட பாப்கார்னும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேரமலைஸ்டு ஆனியன் பண்ணிடலாம். அதுக்காக நான் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு ஒரு பாதி வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இப்படி பொரிச்சுக்க போகிறேன். இது வந்து நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆன பிறகு இதுலேருந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் வரும், அதனால தான் இதுக்கு பேர் கேரமலைஸ்டு ஆனியன் சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டேஜ் தான், இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம பிளேட் பண்ணிடலாம். நம்ம அவன்லேருந்து எடுத்த கீஷ் ரெடி ஆகிருக்கு. அது மேலே நான் கேரமலைஸ்டு ஆனியன் போட்டிருக்கேன். இங்கே வந்து சாலட் மாதிரி நான் வந்து கேரமலைஸ்டு ஆனியன், அப்புறம் ரா ஆனியன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம பாப்கார்னை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது நான் ரெடி பண்ண குட்டி கீஷு, நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். அவ்வளோதாங்க, ஒரு சூப்பரான சோளம் கீஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம பார்க்க தான் ஏதோ ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கே, இது என்னமோ செய்ய முடியாதேன்னு நினப்போம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்கள் மறக்காமல் அந்த கதி கிரேவியை செஞ்சு பார்த்தே ஆகணும், அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நான் இதே மாதிரி நிறைய மாஸ்டர் ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.